दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार जून की शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। अश्विनी वैष्णव ने आगे ये भी कहा कि दूरसंचार विभाग अपेक्षित समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के संबंध में उद्योग की चिंताओं को हल करने की प्रक्रिया जारी है। स्पेक्ट्रम नीलामी के कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके जून की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बता दें कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने 5G सेवाओं को लागू करने के लिए एक बड़ी नीलामी योजना तैयार की है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि हम नीलामी करने के लिए अपनी समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल संचार आयोग ट्राई की सिफारिशों पर विचार करेगा और स्पष्टीकरण के लिए उनसे संपर्क करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई ने बीते दिनों 5G सेवाओं को लेकर 30 साल से अधिक समय के लिए विभिन्न बैंड में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी। नियामक ने मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए जिस कीमत की सिफारिश की है वह आरक्षित या आधार मूल्य से 39% कम है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।